फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश सिंधी किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रबड़ी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बनाया जाता है इसे, मैं 1 लीटर दूध दिया है मैंने, इसे बॉईल कर लेंगे और सेम आंच पे इसे बॉईल होने देंगे और घुमाते जाएंगे ताकि इसमें नीचे चिपके नहीं। ऊपर जो मलाई निकलती जाएगी उसे हम साइड से लगाते जाएंगे। देखिए, मैं साइड से लगाती जा रही हूँ इसको, मलाई निकलती जाएगी। आप सेम पे ही इसे बॉईल करेंगे और इसे मलाई जो ऊपर आ रही है उसे साइड से चिपकाते जाएंगे उसको। बॉईल होता जा रहा है, मलाई ऊपर आ रही है जो मैं चिपकाती जा रही हूँ साइड में, और इसे हम घुमाते जाएंगे बीच में से। बीच बीच में हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर, मलाई आएगी फिर चिपकाते जाएंगे इसको। और सिम पे ही करना है। तेज आंच पे नहीं करना है हमें। और दूध बॉईल होता जाएगा जब तक आधा ना हो जाए दूध, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमें बॉईल करना है इसे। और यही प्रोसीजर बार बार हमें करनी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, दूध कम हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देते हैं। मैंने 1 कप चीनी डाली थी इसमें। अब हम इसे घुमाते जा रहे हैं। अब हम साइड में जो मलाई लगाई थी हम इसे मिला देंगे, गैस बंद कर देंगे हम। मैंने दूध को हाफ हाफ काट लिया है। मैं 2 तरीके की बना रही हूँ रबड़ी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और इसमें मैंने कस्टर्ड मिलाया है, पहले मैंने ठंडे दूध में मिला के रखा था इसको और इसके बाद मैंने इसमें रबड़ी में मिला दिया था। देखिए, हमारी रबड़ी रेडी है दोनों।